लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनथ ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं व्हाट इज एनथ ऑर्डर रिएक्शन, और इसके दूसरे नाम भी होते हैं काइनेटिक रेट इक्वेशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन। तो ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर कोई रिएक्टेंट है ए और उसके एन मॉलिक्यूल हैं और ये रिएक्शन करने के बाद में कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसा मान लेते हैं इनकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है जब टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो है, कंसंट्रेशन ए है, लेकिन किसी टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है ए माइनस एक्स, कुछ ना कुछ ए में से कम हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पर एक्स क्या था, जीरो था, और यहाँ पर कितनी हो गई ये ए माइनस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का रेट है उसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये ए माइनस एक्स की पावर एन। यानी कि यहाँ पर जो ये कंसंट्रेशन रेट, यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है ए माइनस एक्स की पावर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एनथ ऑर्डर रिएक्शन, जो कि यहाँ पर हमने एन लगाया है। अब जैसे ही यहाँ पर इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, इस साइन को बचाएंगे यहाँ पर, तब यहाँ पर आ जाएगा ये एक कॉन्स्टेंट के एन और ये हो जाएगा ए माइनस एक्स की पावर एन। अब यहाँ पर जो एक्स की टर्म है वो उनको वन साइड कर लेंगे और टी को दूसरी साइड, तो इसको लिख सकते हैं ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू के एन इन टू डी टी। इसको मान लिया हमने इक्वेशन वन। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल वे में हम एक कंसिडर यहाँ पर करेंगे, ऐसा मान लेंगे वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स, हमने कंसिडर कर लिया ये कि जो ए माइनस एक्स है वो क्या है वाई। अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफ्रेंशिएशन, वो ऑलवेज जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। यह है डिफरेंशिएशन, अगर आपको नहीं आता है तो सिंपल वे में आप सीख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल था ये। और इसको हम लिख सकते हैं डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स, ये इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा माइनस डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब देखेंगे इसको मान लेंगे इक्वेशन ए और इसको मान लेंगे इक्वेशन बी। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर जो वाई की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देंगे और डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास में डी एक्स की वैल्यू वाई की फॉर्म में है और ये वाली वाली दोनों इक्वेशन वन में पुट करने पर, जहाँ पर डी एक्स है माइनस के डी वाई, जहाँ पर ए माइनस एक्स है वहाँ पर ये वाई, तो ये आ जाएगा माइनस के देखेंगे डी वाई और अपॉन आ जाएगा ये वाई की पावर एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा ये के एन इन टू डी टी। अब हमें इसकी लिमिट बनानी है, तो हमको पता है जब एक्स इज इक्वल्स टू जीरो था तो कितनी थी लिमिट, ए थी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जीरो, तो जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तभी आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू ए, और कहाँ तक जाएगा ये, तो ये जाएगा ए माइनस एक्स तक, कुछ नहीं किया है, एक्स की वैल्यू एक बार यहाँ पर जीरो पुट की और एक बार यहाँ पर एक्स पुट की, तो जब जीरो पुट की तो वाई बराबर आ गया ए और एक्स पुट की तो ए माइनस एक्स है ही, तो ये लिमिट बन गई इंटीग्रेशन की, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर माइनस ही हो जाएगा वाई की पावर एन, इसको ऊपर ले गए तो पावर माइनस की हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी ए से ए माइनस एक्स और ये हो जाएगी डी वाई इज इक्वल्स टू के एन डी टी। इधर भी लगा दिया ये इंटीग्रेशन, टी इज इक्वल्स टू जीरो था तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना था जीरो, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी कहाँ, यहाँ, तो y बराबर a आ गया, उसके बाद में जब x था तो कितना था यहाँ पर ये t, जब t था तो लिमिट कितनी थी ये a माइनस एक्स, इस तरीके से लिमिट सेट कर दी। अब इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं होता माइनस ऐसे ही, और ये y माइनस n के पावर यहाँ पर आ जाता है प्लस वन, जो भी पावर होती है उसमें वन ऐड हो जाता है और उसी को लिख देते हैं माइनस प्लस वन।
यहाँ पर पावर कितनी थी, माइनस एन, इसमें प्लस वन किया और इसी को नीचे लिख दिया, इसी को बोलते हैं हम इंटीग्रेशन करना। और इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, ए से ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एज इट इज, और डी टी का हो जाएगा टी, और लिमिट है 0 से t। इस तरीके से हमने इंटीग्रेट किया। एक बार रिपीट करूंगा, जो भी पावर होती है उसमें क्या करते हैं हम प्लस वन ऐड कर देते हैं, तो पावर कितनी थी माइनस एन, प्लस वन ऐड कर दिया और डिवाइड में भी उसी को लिख देते हैं। अब ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट ओनली वेरिएबल यानी कि वाई में अप्लाई करेंगे, जहां पर भी वाई है, यहां पर टी में। तो पहले होती है अपर लिमिट, ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तभी हो जाएगा एन माइनस वन, इस माइनस की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एन माइनस वन। यहाँ पर लगा देंगे लिमिट तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन। उसके बाद में होती लोअर लिमिट ए, तो ये जगह ए की पावर माइनस एन प्लस वन इस तरीके से। और यहाँ पर आ जाएगा ये के एन, अपर लिमिट, लोअर तो जीरो है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जीरो तो जीरो ही रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे इस पावर को अगर नीचे लाएं तब कितना हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं हम वन अपॉन एन माइनस वन, जब इसको नीचे लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, दैट मीन्स ये हो जाएगा ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। इसको अलग लिख लेंगे तभी हो जाएगा वन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन। कुछ नहीं किया है, इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों को अलग अलग करके लिख लिया तो बीच में आ गया माइनस। उसके बाद में जब इसको नीचे लाएंगे तो पावर का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये के एन इंटू टी। आप यहां पर देख सकते हैं एन माइनस वन कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं के एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन माइनस वन इंटू टी। यहां पर भी है और यहां पर भी है, और यहां पर बचा वन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन माइनस वन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन। इसी को हम कहते हैं काइनेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको हम, काइनेटिक इक्वेशन। और अगर इसी को हम ऐसा लिख दें ये टी के इक्वल, तो किधर आ जाएगा, ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन के एन एन माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस वन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन। ये कहलाती है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन, ये कहलाती है काइनेटिक इक्वेशन। और इसी को हम कहते हैं एनएच ऑर्डर रिएक्शन। कई बार आपको, अगर आप बायो स्टूडेंट हैं, तब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इजी वे में सिखा दूंगा। ये कहलाती है काइनेटिक इक्वेशन, और ये कहलाती है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन, जहां पर के एन होता है कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये थी एनथ ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक जरूर करना और कमेंट करके सजेस्ट भी करना।